स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश जेनेरिक की वर्कशीट। वर्कशीट है बच्चों G12, डेट है 19 जुलाई 2021। बच्चों क्लास 7th और 8th की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और अपनी वर्कशीट सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि बच्चों जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, बच्चों आप सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को लाल बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। तो बच्चों देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ग्रेटिट्यूड जनरल। ठीक है, द ग्रेटिट्यूड जनरल। तो बच्चों हम इसको एक्सरसाइज से समझते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बोला गया है। राइट नेम ऑफ पीपल यू फील ग्रेटफुल थैंकफुल टू हैव इन योर लाइफ। बच्चों ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आप मानते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए तो आप उसके लिए बहुत थैंकफुल हो, बहुत ग्रेटफुल हो। तो बच्चों देखिए आप सभी अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल फील करते होंगे। ठीक है, जैसे फादर, मदर, सिस्टर और या ब्रदर, बच्चों जो भी है जिनके लिए भी आप ऐसा फील करते हैं उनका आप यहाँ पे लिखिएगा। राइट बिलो द नेम ऑफ थ्री थिंग यू फील ग्रेटफुल फॉर। बच्चों यहाँ पे आप तीन चीज़ों के नाम लिखिए। ठीक है, जैसे कि जिनके लिए आप बोलते हो कि यू फील ग्रेटफुल, जैसे आई फील ग्रेटफुल टू हैव फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ट्रीज इन माय लाइफ। बच्चों सबसे पहले देखिए आपको मैं बताऊं ग्रेटफुल मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे ग्रेटफुल बोला किसको गया है, तो देखिए बच्चों फीलिंग ऑफ फीलिंग और शोइंग थैंक्स। ठीक है, किसी के लिए फीलिंग से जैसे हम बोलते हैं थैंक्स की फीलिंग होती है कि हम बोलते हैं गॉड थैंक यू आपने मुझे ये दिया। तो इस तरह बच्चों जो भी किसी के लिए भी अपनी ऐसी फीलिंग होती है टू ग्रेटफुल हैव, इसी को बोलते हैं हम ग्रेटफुल। ठीक है, राइट थ्री थिंग्स यू वॉन्ट टू डू और अकम्प्लिश बाय नेक्स्ट वीक। बच्चों ऐसी तीन चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखिए थिंग्स के जो आप चाहते हो कि करना नेक्स्ट वीक तक। तो बच्चों जैसे कि आप क्या करना चाहते हो, योगा, क्लीनिंग रूम एंड कंप्लीट होमवर्क। इस तरह से बच्चों जो भी आप काम करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे लिखिए। लुक इन द मिरर एंड से आई एम ऑसम। नाउ राइट थ्री थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ पे क्या एक्टिविटी दी गई है कि आप सभी मिरर में देखिए, कांच में देखिए और बोलिए कि आई एम ऑसम, मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। अब बच्चों ऐसी तीन चीज़ें लिखिए जिसके बारे में आप मतलब आपके बारे में जो आपको अच्छी लगी। तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगी, लाइक बच्चों आपकी स्माइल, आप सभी अलग अलग लिखिएगा, जैसे आपको स्माइल आपकी अच्छी लगी। ठीक है, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपको अच्छा लगा। ठीक है, राइट वन हैबिट अबाउट योर सेल्फ दैट यू वुड लाइक टू चेंज। बच्चों आप कौन सी ऐसी आपकी हैबिट है जिसे आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू स्टॉप, आई वॉन्ट टू स्टॉप और रिड्यूस भी आप यहाँ बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू रिड्यूस टाइम फॉर यूजिंग मोबाइल फ़ोन। देखिए बच्चों आप सभी क्या करते होंगे, अभी मुझे पता है रिसेंटली में कि आप बच्चों सभी यही करते होंगे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा। ठीक है, तो आप क्लास लेते होंगे, क्लास जैसे ही ख़त्म होती होगी आप उसमें यूट्यूब पे कोई गेम्स देखने लग जाते होंगे या फिर कोई वीडियोज़ आप देखने लग जाते होंगे, यही सब करते होंगे।
तो बच्चों ऐसे कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो बच्चों ये सब चीज़ें ना करके और आप कुछ क्रिएटिव करें, कुछ अच्छा करें, कुछ इफ़ेक्टिव करें, ठीक है। तो बच्चों यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आप कोई भी एक अपनी ऐसी हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हैं उसके बारे में आप सभी यहाँ पे लिखिए, ठीक है बच्चों। आया अच्छे से सभी को समझ में? तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी थी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।